ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या चल रहा था, या टीम इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि चार लगातार टेस्ट मैच हारने के बाद फिर होम सीरीज में इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जीत सके? देखें, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं और तीन चार दिन में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा काम है ग्राउंड में पर करना और परफॉर्म करना, और जो हमारे बेस्ट वो है हम उसको अप्लाई करें, क्योंकि देखें ये चीज़ें ग्राउंड से बाहर हैं और हमारा जो पूरा फोकस है वो ग्राउंड के अंदर है कि हमने कैसे मैच जीतना, कैसे हमने ये सीरीज को अच्छा स्टार्ट करना है और कैसे हमने तीनों शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। बिल्कुल, हम पिछली सीरीज वैसी खेल नहीं पाए, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हम बिहाइंड रहे, लेकिन उसको हम फील करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट। बाबर, कुछ पिच के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि इसको बहुत बात हुई कि कैसी पिच हो सकती है, फिर 11 के बारे में और जो चेंजेस हुई हैं तो आपके दिन में क्या है, क्योंकि रात ही चेंजेस हुई हैं, तो कप्तान के लिए क्या आसान है मुश्किल है कि एकदम से अगर कॉम्बिनेशन में तब्दीली करनी पड़ती है? देखें, पिच तो काफ़ी अच्छी लग रही है, सिमिलर टू कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि दिन बाय दिन बिहेवियर चेंज होता है विकेट का और डे बाय डे हर चीज़ डिफरेंट होती है, तो मेरे ख्याल से पिच तो अच्छा लग रहा है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं और कैसे आप डोमिनेट करते हैं, उस पर हमारा फोकस है। विकेट बिल्कुल आपको थोड़ा सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ टीम आपको अच्छा खेलना पड़ता है। और देखिए, अभी फाइनल 11 डिसाइड नहीं की, चीफ सेलेक्टर आ रहे हैं, उनसे डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर फाइनल 11। बाबर, जो तीन नए खिलाड़ी इंक्लूड हुए हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि कप्तान सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो कप्तान से राय लेती है, मुशावरत से और कंडीशन को देखते हुए, तो ये अचानक जो तीन मतलब नाम आए, तो क्या नई जो सिलेक्शन कमेटी उभूरी आई है, शाहिद आफरीदी और उनके जो साथी हैं, उन्होंने आपसे राय ली, उस पर मुशावरत हुई कि ये तीन खिलाड़ियों को स्क्वाड के अंदर जो है वो ऐड करना है? डेफिनेटली इस पर डिस्कशन हुई थी मेरे साथ और उस पर डिबेट भी हुई थी कि हम किस तरह हमने लेके चलना है, और क्योंकि उनका अपना एक माइंड सेट है, और फिर उस पर हमने डिस्कशन की थी और फिर अपना मैंने ओपिनियन दिया और फिर जो हमें बेस्ट लगा वो हमने किया। अच्छा बाबर, इंग्लैंड की सीरीज तो हो गई, अब न्यूजीलैंड की सीरीज में आप क्या समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी टीम की? देखें, स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से बैटिंग है हमारी, और जो बैटिंग हमारी पिछले जो टूर में उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन पैचेस में, क्योंकि एज अ बैट्समैन एज अ बैटिंग यूनिट आपको टेस्ट मैच में लंबी बैटिंग करनी पड़ती है, पेशेंस दिखाना पड़ता है, और इंशाल्लाह बॉलिंग भी कम बैक करेगी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी इंजरीज चल रही हैं, जो हमारे मेन जो बॉलिंग लाइन है उसमें इंजरीज चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो मैं कर सकता हूँ हमारी बैटिंग जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग। पावन, इंग्लैंड से तो हम जीत पर हार गए, तो पांच चैंपियंस को सुन रहे, तो आपको यहाँ लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको रेस्ट देकर जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हैं तजुर्बाकार, उनको खिलाया जा सकता है इंग्लैंड की सीरीज में? डेफिनेटली, देखें मैंने अभी जिस तरह बात की, अभी सिलेक्टर्स के साथ मीटिंग है, उसके बाद फिर हम फाइनल 11 डिसाइड करेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, और जो बेस्ट होगा टीम के लिए वो डिसाइड किया जाएगा, ये नहीं है कि किस को खिलाना है या उसको खिलाना है, जो बेस्ट टीम के लिए होगा वो बेस्ट की 11 खिलाई जाएगी। आप पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन क्रिकेटर हैं कि आप सीरीज आ गए उसके बाद एक ट्रेंड चल पड़ा, सोचना भी माना है, उसमें आपके टीममेट्स भी शामिल थे, समझते हैं ये प्लेयर्स के लिए मुनासिब नहीं है कि इस तरीके के ट्रेंड्स का हिस्सा बने सोशल मीडिया? सर, हर एक अपनी माइंड सेट होता है, जिस तरह अभी जर्नलिस्ट सब सारे चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को बैक करते हैं, तो प्लेयर्स भी हमारा जो यूनिट है और उसमें यूनिटी इसी को कहते हैं कि हर बंदे को सपोर्ट करते हैं, यानी कि मुझे कर रहे हैं, वो पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कोशिश करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें, और डेफिनेटली जब आप चीज़ें हारते हैं तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन एज अ प्लेयर एज अ कप्तान कोशिश करता हूँ कि अपने एक जोन में रहूँ, और बिल्कुल हम सीरीज हारे थे लेकिन इंशाल्लाह कमबैक जरूर करें। अच्छा बाबर, मीर हमजा की एंट्री हुई है, तगड़ा बॉलर है और दोनों तरफ जो स्विंग करता है, तो आज नेट पे भी हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था, क्या न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए हमारे लिए मुफीद साबित होगा? और दूसरा ये कि आप कप्तान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कप्तान ही आप जो है वो अटैकिंग नहीं कर रहे,
तो इस बार हमें बाबर यहाँ पर अटैकिंग कप्तानी करता हुआ नजर आएगा? सर अभी तो डिसाइड नहीं किया, पहले भी मैंने बोला अभी फाइनल 11 और कौन सा प्लेयर का खेलेगा वो डिसाइड नहीं किया। देखें मैं हर रोज से इस चीज़ पे मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ कि इस वजह से ये नहीं हुआ, क्योंकि देखें चीज़ें जब आप हारते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं, लेकिन जो बेस्ट चीज़ होती है वो मैं अपने अप्लाई करता हूँ और जो मुझे अंदर समझ आता है उस हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करता हूँ, अपने प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ, जो मेरे बॉलर्स होते हैं उस हिसाब से फील्डिंग सेट की जाती है। डिपेंड करता है कि अगली टीम आपको पता है वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे, तो उसके लिए आप अटैक ज़्यादा कर नहीं सकते, जब अटैक करूँगा तो वो जब मारेंगे तो आप कहेंगे आप डिफेंसिव क्यों नहीं, तो ये चीज़ें चलती हैं। आपको उस टाइम अंदर आपको बाहर बैठ के लग रहा है कि डिफेंसिव होना चाहिए था, मेरे ख्याल से अंदर डिफरेंट सिचुएशन होती है, इवन कि मैं भी जब बाहर होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, जब तक आप अंदर नहीं होते तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अंदर जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अच्छा फील करता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अच्छा बाबर, 2-3 सीरीज़ हम आपकी फेवर में नहीं गई पाकिस्तान टीम की, कितना प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की हवा चल पड़ी है, तो कितना प्रेशर है एज ए कैप्टन आपके ऊपर इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करें? प्रेशर देखें तो प्रेशर मैं चीज़ों की नहीं लेता, ये देखें अल्लाह यहाँ तक लाए आगे अल्लाह ही लेके जाएगा, और सिर्फ बिलीव है मुझे अपने पे और अपने टीम मेट्स पे, और बिल्कुल हम कुछ जगह पे चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट कर पाए बिल्कुल, उसको मैं ये नहीं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम अच्छी नहीं क्रिकेट खेले, लेकिन ये है कि प्रेशर में फिर आपकी और गेम नीचे जाएगी, आप जब प्रेशर अगर आप कह रहे हैं प्रेशर में आप और नीचे डाउन होते हैं, लेकिन एज ए कप्तान मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रखने पे और मेरे पूरी टीम पे कि हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे, क्योंकि नया दिन नई टीम और नए मैच हैं, इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ें आएंगी। बाबर इधर इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत बुरी शिकस्त हुई और तारीफ रकम हुई, क्लीन स्वीप हुआ पाकिस्तान को होम ग्राउंड में, तो गलतियों से आपने क्या सबक सीखा, अब नई सीरीज है नई टीम है तो क्या स्ट्रेटजी होगी? दूसरा ये बताएं कि सिलेक्शन में कितनी गलतियां हुई, क्या फहीम अशरफ को सिलेक्ट करना गलती थी और नवाज को भी आपने लिया, तो उनकी जगह कौन से प्लेयर्स आ सकते थे जो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो गए? मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं थी, जो बेस्ट 11 जो हमें लग रही थी हमने खिलाया और इस पे मैं स्टिक रहता हूँ कि ऐसी कोई गलती नहीं हुई, कि फिर वही बात है क्योंकि चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आप जीत नहीं रहे तो आपको ये लग रहा है कि इसको होना चाहिए था या उसको होना चाहिए था, ये प्लेयर होना चाहिए था, तो देखें जो एज अ कप्तान और एज अ मैनेजमेंट हमें जो